राज्यपाल राम नाईक आज बांदा पहुंचे, जहां शहर के कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में भी उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यालय के मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल व डिग्री प्रदान की। साथ ही महामहिम राज्यपाल ने मीडिया के सवालों पर प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था में सुधार बताया व राजनीतिक सवालों पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार किया। आज उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बांदा आए, जहां शहर के कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित चौथे दीक्षांत समारोह में पहुंचे व कई मेघावी छात्रों को गोल्ड मेडल व डिग्री देकर सम्मानित किया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए कहा कि आज महिला पुरुषों के समान हर क्षेत्र के काम कर रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है। राज्यपाल ने कहा कि ये बांदा कृषि विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह है, जिसमें आज मैं शरीक हुआ हूँ और मेरे द्वारा मेघावी छात्रों को गोल्ड मेडल व डिग्री प्रदान की गई है। प्रदेश की कानूनी व्यवस्था व बढ़ते हुए अपराधों के बारे में पूछने पर महामहिम राज्यपाल ने कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री भी हमारे हैं और पिछले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी हमारे थे। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर काफ़ी सुधार आया है, बाकी प्रयास किया जा रहा है कि अपराध पर पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सके। जब मीडिया द्वारा महामहिम राज्यपाल से कुछ पूछा गया कि राशन डील को लेकर जिस तरह सरकार गिरी, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि देश का चौकीदार चोरी कर ले गया, इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और यह कहकर चल दिए कि ये राजनीति का मामला है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। बांदा में यहाँ का जो कृषि विश्वविद्यालय है, उसका चौथा दीक्षांत समारोह था और कुलाधिपति के नाते जब दीक्षांत समारोह कोई भी विश्वविद्यालय का होता है तो मैं उसका अध्यक्ष होता हूँ। और जब से मैं राज्यपाल के नाते उत्तर प्रदेश में आया हूँ, मैंने इसमें एक नियमितता भी लाने की कोशिश की है। उसके पहले कुछ विश्वविद्यालयों का दो दो तीन तीन वर्ष में दीक्षांत नहीं होता था, लेकिन आज मैं ये कहने की स्थिति में हूँ कि गए साल और इस साल सभी दीक्षा विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह हो रहे हैं, नियमितता से हो रहे हैं और एक दृष्टि से शैक्षिक जीवन में एक नियमितता आई है। बिल्कुल प्रवेश से लेकर परीक्षा, परिणाम और दीक्षांत तक, और इस भूमिका में वैसे देखा जाए तो यह विश्वविद्यालय छोटा, लेकिन कृषि के दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत महत्व का है और इस विश्वविद्यालय का काम भी सराहनीय है और इस भूमिका में आज मैं यहाँ आया। महामहिम जी, इस समय प्रदेश की कानून व्यवस्था यहाँ भी सभी और हत्याएं हो रही हैं, अभी तक उसमें खुलासा नहीं हुआ। अभी तक इसके बाद भी ऐसा है कि मैं एक कोई घटना को लेकर कोई उत्तर दे नहीं सकूंगा, लेकिन मोटे तौर पर मैं चार साल भी यहाँ हूँ तो इसमें जो परिवर्तन है हो रहा है वह भी मैं देख रहा हूँ। लोगों के नज़र में मैंने दो मुख्यमंत्री देखे हैं और वो मुख्यमंत्री पहले अखिलेश यादव भी मेरे ही मुख्यमंत्री थे और अभी के योगी आदित्यनाथ भी मेरे ही मुख्यमंत्री हैं। मैं एक मौलिक अंतर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसके संबंध में देख रहा हूँ और निश्चित तौर पर उसमें सुधार हो रहा है, जिसको हम वैयक्तिक कहते हैं। फिर कहा किसी की वैयक्तिक हत्या हो गई, रेप हो गया, इस प्रकार के जो अपराध हैं उस पर भी नियंत्रण लाने की आवश्यकता है, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम पर एक नियंत्रण आने के बाद उत्तर प्रदेश के विकास के लिए निवेश आने का प्रारंभ हुआ है और मुझे लगता है कि वह एक अभिष्ट इस प्रकार का बदलाव। महोदय, राफेल डील को लेकर जिस तरह से सरकार गिरी हुई, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि देश का चौकीदार जो है चोरी कर ले गया, क्या कहना आपका? मैं इतना ही कहूँगा कि सार्वजनिक जीवन में एक संयम रखना की आवश्यकता होती है, अपनी बात कहने का ढंग होता है और वह ढंग का पालन करना सभ्यता के लिए आवश्यक होता है और इस भूमिका में कौन किस प्रकार का है, राजनीतिक
विषय जब बन जाता है तो फिर राज्यपाल के नाते मैं कोई विशेष इस प्रकार के वक्तव्य पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं मानता हूँ। लेकिन जरूर आवश्यक है कि जब चुनाव की ओर सारा देश जा रहा है तो इस समय पर वाद विवाद तो होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि वाद विवाद का एक स्तर भी यदि रखता है तो लोगों को वो अच्छा लगता है, मुझे भी।